प्रेज द लॉर्ड, दिस इज एंजल। आज के रेजरेक्शन डे यानी कि पुनरुत्थान दिवस यानी कि ईस्टर है, और जब लॉकडाउन भी हमारी पूरी दुनिया में चल रहा है और साथ ही साथ ईस्टर भी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईस्टर और लॉकडाउन के बीच में आपस में ऐसा क्या रिलेशन है, इन दोनों में आपस में ऐसी कोई सिमिलैरिटी है। आपको पता है कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ यानी यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, तो आपको पता है सबसे इसमें अहम बात क्या है। इसमें अहम बात यह है कि यीशु मसीह भी लॉकडाउन थे। यस, ही वॉज लॉकडाउन। कैसे? क्योंकि वो कब्र के अंदर बंद थे, रोमन्स की सील लगी हुई थी बकायदा उस कब्र के पत्थर के ऊपर। और आपको पता है जब लॉकडाउन यानी कि जब यीशु मसीह का रेजरेक्शन हुआ और जब लॉकडाउन ओवर हो गया, तो पता है क्या हुआ, वो सील भी हट गई, वो पत्थर भी हटा दिया गया और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। बाइबल में हम जब जब लॉकडाउन को देखते हैं, तब तब हम प्रभु की अद्भुत महिमा को, प्रभु के अद्भुत सामर्थ को, वो खुदावंद के एक नए काम को, नए मौजों को पूरा होते हुए देखते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको पता है चेलों ने भी अपने आप को लॉकडाउन कर रखा था, और उन्होंने लॉकडाउन कर रखा था रोमियों की डर की वजह से, यहूदियों की डर की वजह से, क्योंकि उनके अंदर सबसे बड़ा डर ये था कि अगर वो लोग बाहर चले जाएंगे तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। और वो लोगों ने अपने आप को लॉकडाउन कर रखा था, बंद थे वो लोग। और वो लोग बंद थे इस वजह से क्या हुआ, अचानक से यीशु मसीह उनके पास, उनके उस जगह, उस कमरे में आ गए जहां पर वो लोग बंद थे, और यीशु मसीह ने कहा पीस बी अपॉन यू, ठीक है ना, तुम्हें शांति मिले। और हुआ क्या, पवित्र आत्मा प्रभु ने उन्हें दिया, होली स्पिरिट को उनके ऊपर फूका, और वो लोग कह लीजिए कि उन्होंने पवित्र आत्मा का गिफ्ट पाया। और इस तरीके से लॉकडाउन में हम देखते हैं परमेश्वर की भलाई को प्रकट होते हुए। और उसके बाद चेलों से फिर कहा गया अभी मत छोड़ना यरूशलेम। चेलों ने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया, बंद कर लिया, अटारी पे इकट्ठे होते थे। और पेंतिकॉस्ट के दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब वो चेलों ने कहा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अभी यरूशलेम को मत छोड़ना यानी अभी अपने आप को लॉकडाउन कर लो, और वो प्रतिदिन इकट्ठे होते थे, दुआ करते थे पाखरू के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। और हुआ क्या, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रकट हुआ और वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और जैसे ये लॉकडाउन ओवर हुआ, पतरस का पहला सरमन और 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। यानी लॉकडाउन के बाद हमेशा हमने देखा है खुदावन के मौजे होते हुए। इसराइली जब लॉकडाउन हुए, मेमने का खून लगाया गया और इसराइलियों का सबसे बड़ा छुटकारा आया, पलटा लेने का दिन आया। और जब नूह के वक्त में लॉकडाउन हुआ और जब जहाज में वो बंद थे, तो क्या हुआ, उसके बाद जब लॉकडाउन पूरा हुआ तो एक नई शुरुआत हुई और दोबारा से इस दुनिया को क्या किया गया, बसाया गया। यानी लॉकडाउन जब जब हुआ तो परमेश्वर ने अलाउ करा, और जब जब वो ओवर हुआ तब तब परमेश्वर के एक नए काम प्रकट हुए। मैं ये बात को यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पाक रूह की अगुवाई में बोलता हूँ कि ये लॉकडाउन के बाद खुदावंद बड़े बड़े काम करने आ रहा है। क्योंकि ये लॉकडाउन पूरी दुनिया में खुदा ने ही, परमेश्वर ने ही अलाउ करा है कि इसके बाद एक बड़ी शिफ्टिंग आए, एक डिवाइन शिफ्टिंग आए, और यीशु के नाम से आपकी जिंदगी में नए नए काम हो। यीशु के नाम से आपकी जिंदगी में जो काम अभी तक नहीं जाहिर हुए, वो काम प्रकट हो जाएं। इस लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, यीशु मसीह प्रकट हो गए। यीशु मसीह जो गायब थे, यीशु मसीह जो इनविजिबल थे, जो कब्र में अदृश्य थे, उसके बाद वो प्रकट हो गए। मैं घोषणा करता हूँ इस लॉकडाउन के बाद वो चीजें जो अभी भी आपकी जिंदगी में इनविजिबल हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुई है, आपकी ब्लेसिंग, आपकी मिनिस्ट्री, आपका अभिषेक, आपके रिलेशनशिप्स, आपके और ब्लेसिंग्स या फाइनेंसेस या ग्रेस या अनॉइंटिंग जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, वो चीजें जो अभी तक छुपी हुई हैं, वो चीजें जो अभी भी शायद कब्र में हैं, वो चीजें जो अभी भी मैनिफेस्ट होनी है, वो चीजें जिनकी आप बड़े लंबे समय से बात जो रहे हैं, वो दुआ के जवाब जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं, वो यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ इस लॉकडाउन के बाद अपीयर होंगे। यीशु के नाम से इस लॉकडाउन के बाद पूरी दुनिया में खुदावंद एक बड़े काम करने आ रहे हैं, नई शुरुआत करने आ रहे हैं, आपकी जिंदगी में नई शुरुआत करने आ रहे हैं, चर्च में एक बड़ी शिफ्टिंग आने जा रही है, बड़े बड़े काम होने आ रहे हैं, बड़े बड़े द्वार खुलने जा रहे हैं। और यीशु मसीह के नाम से इस लॉकडाउन के बाद प्रभु का सामर्थ, प्रभु की महिमा, यीशु का जलाल आपकी जिंदगी में एक नई रीति से, एक नेक्स्ट लेवल पे जाके जाहिर होने आ रहा है। मैं घोषणा करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी ईस्टर।